अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं लाहौर में पहली ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। इस वक्त रात के 7 बज रहे थे, लेकिन ग्रोसरी ऑलमोस्ट सारी ही ख़त्म थी। सो हमने प्लान किया कि हम लोग चले जाते हैं और कोई ग्रोसरी स्टोर ढूंढते हैं कहाँ पर मिलता है और वहाँ से ग्रोसरी लेकर आते हैं। और खाने में आज कोई इतना बड़ा प्लान तो था नहीं। मेरा प्लान था कि आकर हम लोग बैंगन के पकौड़े बना लेंगे। सो बहुत ही क्विक होने वाला है। ग्रोसरी शॉपिंग हमारी यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, सो हमें आइडिया नहीं कि कौन से ग्रोसरी स्टोर से लेना बेस्ट रहेगा। मगर ये हमें ऑपोजिट्स में दो नज़र आई थी ग्रोसरी स्टोर, तो हमने सोचा कि ये वाली को पहले ट्राई कर लेते हैं। अंदर आने पर इंप्रेशन इतना कोई ख़ास तो नहीं पड़ा। इनके पास कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी। मैं हील्स पहन कर आ गई हूँ और मेरे पाँव इसमें दुख रहे थे और मैं वो दिखा रही थी। सो यहाँ पर सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे कि देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं इनके पीछे पीछे ही थी क्योंकि मुझे कोई इतना खास, मेरे पास तो लिस्ट भी नहीं थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे क्या क्या लेना है। रेट्स जब हमने इनके देखे तो हर चीज़ में 50 to 100 rupees का डिफरेंस आ रहा था। और हमें यहाँ पर बेसिक चीज़ें जैसे चाइनीज़ सॉल्ट वगैरह ढूंढने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सामान इनका ऑर्गेनाइज नहीं था। मैंने नाम नहीं नोट किया ग्रोसरी स्टोर का क्या था, लेकिन हर चीज़ यहाँ ऐसे बिखरी पड़ी थी जैसे कोई पूछने वाला ही ना हो। जैसे मैंने अभी कहा कि हमें रेट इनके ज़्यादा लग रहे थे, तो जब हमने रेट टैली करने की कोशिश की तो उनके पास कोई मशीन वगैरह कोई सिस्टम ही नहीं था। कुछ चीज़ों पर प्राइसेस मेंशन थी और कुछ पर बिल्कुल भी नहीं थी। सो हम लोग को जिस तरह की समझ आई, सामान लेकर हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर में जो चीज़ मुझे बहुत ही फ़नी लगी हुई है कि वो सब एक दूसरे को कामचोर कहकर बुला रहे थे। मतलब कि एक तो उनका स्टाफ थोड़ा था और एक वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, जो कि मैंने सुन लिया कि वो कह रहे थे कि अब ये थोड़े से मेंबर्स रह गए हैं, अब इस तरह किस तरह मैनेज होगा, सब लोग बारी बारी छोड़कर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वजह से वो कोई इतनी उनके पास वैरायटी भी नहीं थी और कोई उनकी मैनेजमेंट भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। जितनी मैं एक्साइटेड होकर गई थी ना कि मैं जाके बहुत ही अच्छा कोई व्लॉग शूट करके लाने वाली हूँ या बहुत ही अच्छी कोई ग्रोसरी शॉपिंग हम करके आने वाले हैं, जो एक लाहौर का इमेज होता है आपके माइंड में, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर कोई इतनी कोई वेल डिवेलप वो जगह नहीं थी और ना ही कोई इतनी कोई ख़ास वैरायटी थी। सो नेक्स्ट टाइम हम कहीं और ही जाएंगे, कुछ और ही एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग राइस छोड़ के बाकी सारा कुछ ले आए थे, क्योंकि राइस तो इन्होंने 400 के लगाए थे जबकि 350 के हमारे यहाँ कॉलोनी के ही स्टोर से मिल जाते हैं। सो हमें वही समझ में आया था, हम वो छोड़ के बाकी चीज़ें ले आए थे। अभी मैं यहाँ पर बैंगन को कट करके उनके ऊपर थोड़ी सी मिर्चें और थोड़ा सा नमक लगाऊंगी, सूखी धनिया का पाउडर लगाऊंगी, ज़ीरा लगाऊंगी। इसको लगा के अच्छा सा मैं अपने हाथ के साथ ही सॉफ्टली इसके ऊपर इसको अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद इसको जब बेसन के अंदर कोट करें तो टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आजकल तो आपको पता है स्प्रे वाले बैंगन होते हैं, उनका अपना कोई इतना खास टेस्ट नहीं होता, वो बहुत कड़वे कड़वे लगते हैं अगर इनके ऊपर कुछ लगाया ना हो तो। मुझे कुकिंग का शौक है और इस तरह की छोटी छोटी सी ट्रिक्स अगर मुझे जानने को मिलती रहना तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। ये चीज़ मैंने सीखी थी एक पकौड़ों वाले की सिस्टर से। उसने ये बड़ी रास की बात मुझे बताई कि मेरा भाई इस तरह से पकौड़े बनाता है और उनके पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे कसूर में। एक बैंगन को फ्राई करके पहले मैंने उसके नमक मिर्च वगैरह सारी चेक कर ली थी, क्योंकि हर दफ़ा इस तरह होता है कि रमज़ान में मैंने बड़ा मेजरमेंट्स लेके रखा होता है कि क्या चीज़ कितनी होगी, और ईद के बाद फिर ऐसा ऐसा मुझे भूल जाता है कभी कितनी क्वांटिटी में बना दें कभी कितनी क्वांटिटी में। रमज़ान में तो आपको पता है आपने हर चीज़ की क्वांटिटी फ़िक्स की होती है, क्योंकि आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, सभी का ही रोज़ा होता है, तो उसकी वजह से मैंने नोट किया होता है। लेकिन उसके बाद फिर मुझे हमेशा ही भूल जाता होता है और हर दफ़ा फिर मुझे टेस्ट करके बनाने पड़ते हैं। सो एक बैंगन को मैंने फ्राई करके टेस्ट कर लिया और उसके बाद अब मैं बाकी के फ्राई कर रही हूँ। अभी और तो किसी का खाने का मूड नहीं था, तो मैं अपनी प्लेट तैयार करके आ गई हूँ। मुझे आजकल बड़ी आदत पड़ी हुई इस तरह से अपना पूरा प्लेटर तैयार करने की। और कचूमर सैलड में जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उन सबको मैंने मिक्स करके सैलड बना लिया है, जिसमें बीट रूट है, कैबेज है और कैरेट हैं। सो मैं यहाँ पर खाना खाऊँगी और इसके बाद मैं लूँगी रात की चाय, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। सर्दी बहुत ज़्यादा होने लग गई है आजकल सच्ची में। और इसके बाद जो हमारे घर आजकल मीठे में चल रहा है वो ये है बची हुई बेद, ये मैं खाऊंगी। और इसके अंदर शाही मेवा और छुआरे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके अलावा खुशखुबानी, इसके अलावा मेरे गुजारे नहीं हैं। अभी के लिए जस्ट इतना ही। अगर आपने यहाँ तक चैनल को वॉच कर लिया है, वीडियो को वॉच कर लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।